बच्चों आज हम पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1 संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं ईमानदारी, सादगी, सरलता, सहायता करना। प्रश्न 2 परिणाम लिखिए। 1 सुबह 5:30 6:45 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। उत्तर लेखक की नींद टूट गई और उसने बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। 2 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। उत्तर लेखक और उनके भाई दोनों कमरे में फूट फूट कर रोते रहे क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के सरकारी पद का दुरुपयोग किया था जिसका एहसास उन्हें अपने बाबूजी की बातों से हुआ। प्रश्न 3 पाठ में प्रयुक्त गायनों के नाम। टीका, नथुनी, बिछिया, चढ़ावे के 5 ग्राम सोने की गहनी। प्रश्न 4 वर्ण पहली से विलोम शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढ कर लिखिए। उत्तर भला, बुरा, सुख, दुख, प्रसन्न, अप्रसन्न, सदुपयोग, दुरुपयोग। प्रश्न 5 पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर शादी के बाद प्रत्येक स्त्री अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती है। उसकी शादी में मिले गहने उसके सुहाग की निशानी होते हैं, लेकिन उसका पति सबसे अधिक मूल्यवान गहना होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि पति के रहने पर ही इन गहनों का महत्व होता है, अन्यथा उसके बगैर इन गहनों की कोई शोभा नहीं है। उपर्युक्त वाक्य लेखक की अम्मा ने अपने पति लाल बहादुर शास्त्री से कहा था क्योंकि शास्त्री जी ने अपने चाचा जी के घाटे में उनकी मदद करने के लिए अपनी पत्नी के गहने मांगे थे। ऐसा करते हुए उन्हें पीड़ा भी हो रही थी परंतु वे मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उनके लिए उनका असली गहना तो वही है और उन्हें बस वही चाहिए। सोने चांदी के गहने तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं। इस वाक्य में उनका पति के प्रति असीम प्रेम दिखाई दे रहा है। प्रश्न 6 कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। 1 सादगी, 2 किफायत। प्रश्न 7 पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। 1 किलोमीटर, 2 ग्राम। प्रश्न 8 पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1 पर अर्थ किंतु। वाक्य सुनील अंग्रेजी पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं पाता है। 2 पर अर्थ पंख। वाक्य मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर अनेकों महापुरुषों ने यही बात कही है कि हमें अपने जीवन को सादे तरीके से जीते हुए जीवन में उच्च विचारों को प्रधानता देनी चाहिए। ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सादे जीवन तथा उच्च विचारों से संसार के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुरु नानक, कबीर, डॉक्टर कलाम आदि और न जाने कितने ही ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए
अपने ऊंचे विचारों से लोगों के दिलों को छुआ है। इन्होंने प्रमाणित किया है कि महान कार्य करने के लिए किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सादगीपूर्ण जीवन में एक स्वाभाविक पवित्रता और आकर्षण का भाव होता है। अतः संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोग सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को अपनाएं। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। प्रश्न एक, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। बच्चों, दिए गए वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखते हैं। एक, करामत अली गाय अपने घर लाई। उत्तर, करामत अली गाय अपने घर लाया। दो, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उत्तर, उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। तीन, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। चार, आचार्य अपने शिष्य को मिलना चाहते थे। उत्तर, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। पाँच, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। उत्तर, घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज़ आती है। छह, लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। उत्तर, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सात, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। उत्तर, सिरचन के कोई लड़का लड़की नहीं थे। आठ, लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूछ था। उत्तर, लक्ष्मी की एक जब्बेदार पूछ थी। नौ, कन्हैयालाल मिश्र जी बिरला के पुस्तक को पढ़ने लगे। उत्तर, कन्हैयालाल मिश्र जी बिरला की पुस्तक को पढ़ने लगे। दस, डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। उत्तर, डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। ग्यारह, लेखक गोवा को गए उनके साथ साडू साहब भी थे। उत्तर, लेखक गोवा गए उनके साथ साडू साहब भी थे। बारह, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। उत्तर, तिलक जी का एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर था। तेरह, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। उत्तर, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। चौदह, बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। उत्तर, बूढ़े लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे। पंद्रह, लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई। उत्तर, लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। सोलह, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। उत्तर, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। सत्रह, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। उत्तर, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। अठारह, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। उत्तर, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। उन्नीस, करामत अली के आँखों में आंसू उतर आई। उत्तर, करामत अली के आँखों में आंसू उतर आए। बीस, मैं देश को प्रेम करता हूँ। उत्तर, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। अगला प्रश्न है
उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। दिए गए मुद्दे: गांव में लड़कियां, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक: उत्तर, कहानी का शीर्षक एकता की शक्ति। रामपुर नामक एक गांव था। गांव की सभी लड़कियों को लड़कों की ही भांति शिक्षा का समान अवसर परिवार द्वारा दिया जाता था। गांव में हर तरह की सुविधा तो थी, लेकिन पानी का अभाव था। गांव की लड़कियां घर के कामों में भी सहायता करती थी। उन्हें पीने के लिए बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, इससे उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता था। एक दिन सभी लड़कियां एकजुट होकर इस परेशानी को सुलझाने के लिए चर्चा कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, यदि हमारे गांव में तालाब होता तो हमें पानी लाने दूर तक नहीं जाना पड़ता। अतः मेरे विचार से हमें गांव में ही एक बड़े से तालाब की खुदाई करवानी चाहिए। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होगा, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। लड़कियों ने गांव वालों को इस संदर्भ में समझाया। गांव वालों को भी यह योजना सही लगी। गांव वालों की सहायता से सभी लड़कियां इस अनोखे प्रयोग में जुट गईं। जल्द ही गांव वालों के कठोर परिश्रम से गांव में एक बड़े से तालाब की खुदाई पूरी हुई। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। गांव का तालाब पानी से लबालब भरकर बहने लगा। गांव में पानी की समस्या का निदान हुआ। लड़कियों का प्रयोग सफल हुआ और सारा गांव खुशहाल हो गया। सीख: मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। अगला प्रश्न है लेखनीय: आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: आज हमारे चारों तरफ केवल दिखावे की संस्कृति का बोलबाला है। व्यक्ति अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा आज सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर देता है। युवा पीढ़ी तो इस दिखावे की संस्कृति से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। यदि हम महंगे कपड़े नहीं खरीदते या पहनते तो हम पिछड़े वर्ग के माने जाते हैं। कितने ही लोग केवल यह सोचकर दिखावे को अपनाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। उसकी सोच के लिए हम मानसिक, शारीरिक व आर्थिक परेशानी को बुलावा देते हैं। यह उपभोक्तावाद हमारे रीति रिवाजों, त्योहारों को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। रोजाना ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे मेहमानों का स्वागत चाय नाश्ता की जगह शीतल पेय देकर करते हैं। होली, दिवाली और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। गांधी जी ने कहा है, उपभोक्तावाद हमारे समाज की नींव हिला रहा है। इस कारण यह भारतीय समाज के लिए चुनौती है। अतः हमें भी इस दिखावे की संस्कृति से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है पठनीय: पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी पढ़िए एवं उनकी सूची बनाइए। उत्तर: नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची। एक, समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दो, भीड़ वाली जगहों पर पुलिस प्रबंधन की व्यवस्था करना। तीन, रैली एवं बड़े समारोह में वाहनों की तलाशी लेना। चार, बस स्थानक तथा रेलवे स्थानक पर शांति बनाए रखना। पाँच, सांप्रदायिक अफवाहों को तुरंत खंडित करना। छह,
यातायात को सुचारू रूप से चलाना, 7 असामाजिक तत्वों पर सतर्कता से नज़र रखना, 8 नागरिकों की सुरक्षा हेतु हर समय सतर्क रहना, 9 अपराधियों के खिलाफ सबूत एकत्रित करके उनको सजा दिलाना, 10 प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है संभाषणीय। अनुशासन जीवन का एक अंग है, इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बताइए। उत्तर, अनुशासन का अर्थ है नियमों के अनुसार चलना। यदि मनुष्य अपने जीवन में नियमों का पालन करे तो वह हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। किसी ने सही कहा है, अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासन को बनाए रखने से केवल व्यक्ति का ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र का विकास संभव है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। परिवार अनुशासन की पहली पाठशाला है, जहाँ से मनुष्य अनुशासन सीखता है। विद्यालय तथा महाविद्यालय में अनुशासन सिखाया जाता है। कार्यालयों में भी अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो बच्चों, आज हमने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।